अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास. टुडे आई विल एक्सप्लेन द सम रूल्स रिलेटेड टू द पैटर्न्स. स्क्वायर नंबर्स, इसको माय डियर स्टूडेंट्स हम डॉट्स के द्वारा बनाते हैं, पॉइंट के द्वारा. जो भी स्क्वायर नंबर बनाना होगा, अगर हमें वन का है तो वन एक ही डॉट्स होगा. टू साइड्स का अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो टू डॉट्स ऐसे हो जाएंगे और ये स्क्वायर बन गया. थ्री साइड्स का तो थ्री थ्री डॉट्स हो जाएंगे, थ्री वर्टिकल थ्री हॉरिजॉन्टल, तो मतलब थ्री थ्री जा नाइन डॉट्स हो जाएंगे इसमें टोटल. और फोर साइड्स का है तो फोर फोर डॉट्स यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये हो जाएगा 16 यहाँ पे है. तो इस तरह से हम डॉट्स का यूज करके पैटर्न बनाते हैं और स्क्वायर नंबर बनता है. जैसे नेक्स्ट 25 बनेगा, फाइव फाइव डॉट्स का बनेगा. इसी तरह से ट्रेंगुलर नंबर्स होते हैं, तो अगर हमें डॉट्स से ट्रेंगुलर नंबर बनाना है तो जैसे यहाँ पे टू डॉट्स हैं तो इसके बीच में ये एक थ्री हो गया, तो तीनों को मिला देंगे तो ट्रेंगल बन जाएगा. फिर अगर सिक्स डॉट्स से हमें ट्रेंगल बनाना है तो फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट एंड थर्ड डॉट, फिर इनके बीच में दो डॉट्स और यहाँ ऊपर पे एक डॉट्स, तो इस तरह से हम इन तीनों को मिला देंगे ट्रेंगल बन जाएगा. ऐसे ही 10 डॉट्स का बनेगा, फिर 15 का बनेगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट पैटर्न इन कैलेंडर. कैलेंडर में भी हम पैटर्न बना सकते हैं. जैसे कैलेंडर में हम किसी 3x3 डॉट्स के 3x3 ब्लॉक के कोई भी थ्री नंबर्स हम ले लेंगे. जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 है, बुक में सर्कल किया गया है. 9, 10, 11 है, फिर 16, 17 एंड 18 है. तो इससे भी पैटर्न बना सकते हैं. अब आगे है, उसको हम बुक में है दिखा रहे हैं. ये देखिए 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18. 2, 3, 4 है, 9, 10, 11 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 10 है, 4 के नीचे 11 है कैलेंडर में, फिर उसी के नीचे 16, 17 एंड 18 रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे आप देखिए कि 17 को 3 से प्लस कर देंगे तो 20 आएगा, 16 को 4 से प्लस कर देंगे तो 20 आएगा, 9 को 11 से प्लस कर देंगे तो 20 आएगा, 18 को 2 से प्लस कर देंगे तो 20 आएगा. कहने का मतलब बीच वाले नंबर को छोड़ करके बाकी ऐसे डायगो मतलब उसके आमने सामने जो अपोजिट नंबर्स होंगे उनको हम प्लस करेंगे तो एक सेम नंबर मिलेगा. सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है. अपोजिट नंबर्स को बीच वाली को छोड़ के अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 26 आ रहा है. तो इस तरह से हम नंबर्स से या डॉट से या फिर शेप से पैटर्न बना सकते हैं. कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.